गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम व्यवहार कार्य के वर्ण के बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों, पिछली बार भी मैंने वर्ण के बारे में आपको विस्तार से बताया था, लेकिन अब इस बार भी हम थोड़ा संक्षेप में जानकारी लेते हुए हम उसके प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम वर्ण का दोहरण कार्य सीखेंगे। तो बच्चों, जैसे मैं आपको बोल दूं, कमल, अजगर और महल। जब मैंने इन शब्दों को बोला कमल, अजगर, महल, तो इनमें से कुछ ध्वनियां निकलती है। तो बच्चों, हिंदी भाषा में ये ध्वनियां ही क्या कहलाती है? वर्ण या अक्षर। ये ध्वनियां ही जो होती है वो वर्ण या अक्षर कहलाती है। अब कमल है बच्चों, क अ म अ ल अ, यानी इसमें कमल को बोलने में हमें छह ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। तो इन ये छह ध्वनियां ही क्या कहलाएगी हिंदी भाषा में? वर्ण या अक्षर। ये ध्वनियां ही हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कहलाती है। तो बच्चों, वर्ण क्या होते हैं? आप बोलो कि वर्ण क्या होते हैं? तो वर्ण जो होते हैं, जो भाषा की सब वह कई जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की वह इकाई जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। हिंदी भाषा में बच्चों वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो बच्चों, स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। स्वर में 11 स्वर होते हैं और 3 अयोग वर्ण होते हैं, और व्यंजन में बच्चों 33 व्यंजन होते हैं। तो स्वर बच्चों, स्वर वो होते हैं जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे ए आ ई ई उ ऊ, ए ऐ ओ औ, अम अह आदि। ये स्वर होते हैं बच्चों, 11 स्वर होते हैं, और ये बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। जबकि व्यंजन को बोलने के लिए बच्चों स्वर की सहायता ली जाती है। जैसे व्यंजन कैसे लेके शब्दक व्यंजन 33 व्यंजन होते हैं, तो 33 व्यंजन को बोलने के लिए हमें किसकी सहायता चाहिए होती? स्वर की। तो बच्चों, हम आओ संक्षेप में हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम इनकी जानकारी लेते हैं। तो पहला प्रश्न बच्चों हम लिख रहे हैं, प्रश्न एक वर्ण क्या है? वर्ण किसे कहते हैं? प्रश्न हमारा पहला है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो बच्चों, हम उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में आप लिखोगे, भाषा की सबसे छोटी इकाइयां हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके जिसके टुकड़े टुकड़े ना किए टुकड़े ना किए जा सके जा सके अक्षर या वर्ण कहलाते हैं। अक्षर या वर्ण कहलाते हैं। जैसे E
टू खैर आदि यानी वर्ण किसे कहते हैं। तो बच्चों क्या देखा हमने, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाइयां हैं जिसके टुकड़े ना किए जा सके, अक्षर या वर्ण कहलाते हैं, जैसे ए ई उ या प कर आदि। तो ये तो बच्चों वर्ण हुआ। और बच्चों दूसरा प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। वर्ण दूसरा प्रश्न है बच्चों, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न दो, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों वर्ण हम क्या कहेंगे, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। उत्तर, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो बच्चों प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं। प्रश्न तीसरा, स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर बच्चों उत्तर में हम लिखेंगे जो वर्ण बिना किसी की सहायता से बोली जाती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। जो वर्ण बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें हम वर्ण में हम स्वर कहते हैं, हम स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं बच्चों, जो वर्ण बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। बच्चों स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उनके नाम। प्रश्न चौथा है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम। प्रश्न चार, स्वर के कितने भेद होते हैं तथा उनके
तो बच्चों हम देखेंगे सर के दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा अयोग्य। क्या होता है पहला स्वर और दूसरा अयोग्य? हिंदी भाषा में 11 स्वर है और स्वर के दो भेद होते हैं, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। तो हम उच्चारण क्या लिखते हो? उच्चारण स्वर स्वर दो प्रकार के होते हैं, स्वर दो प्रकार के होते हैं, पहला दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर में बच्चों ए ई उ ऋषि दीर्घ स्वर और लघु स्वर, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर दो स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दो स्वर होते हैं बच्चों, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। बच्चों ह्रस्व स्वर को बोलने में थोड़ा कम समय लगता है और जैसे नाम से ही है दीर्घ स्वर, इसको बोलने में हमें थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है। तो बच्चों स्वर दो प्रकार के होते हैं, तो बच्चों वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर और व्यंजन। तो बच्चों वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े ना की जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं, जैसे ए ई के आदि है। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। और स्वर के बच्चों कितने भेद होते हैं? तो स्वर के बच्चों दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में बच्चों बोलने में कम समय लगता है और ह्रस्व स्वर होते हैं बच्चों अ ई उ और ष, अ ई उ और ष ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं आ बड़ी ई बड़ा उ ए बड़ी ए आदि, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। इनके उच्चारण में थोड़ा ह्रस्व स्वर की मात्रा में अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर को बोलने में थोड़ा समय अधिक लगता है, जैसे आ बड़ी ई बड़ा उ बड़े ए ओ औ, ये कौन से स्वर है? ह्रस्व स्वर। इनको बोलने में थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है। तो बच्चों आज की कड़ी में हमने वर्ण के बारे में सीखा और वर्ण में भी बच्चों हमने आज स्वर के बारे में जानकारी दी। कल फिर दूसरे जो इसका होगा इसमें हम व्यंजन के बारे में जानकारी लेंगे और कौन कौन से स्वर होते हैं। तो आज बच्चों हमारी समय सीमा यही समाप्त हो रही है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। और मुझे आशा है बच्चों आप इस कार्य को अपनी कॉपी में जरूर करेंगे। तो बच्चों इस कार्य को आप अपनी कॉपी में करना। धन्यवाद।